आनंद म्यूजिक प्रेजेंट्स। सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु जूना विच भटकण वाली कट दो ए फांसी नू, कट दो ए फांसी नू, कट दो ए फांसी नू, अमृत दी दात बख्श दो भुल जा चौरासी नू, भुल जा चौरासी नू, भुल जा चौरासी नू, माया नाल मैली आत्मा बंदगी नाल रीज दी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु रहमत तेरी सदका मार्ग मिलदा ए मुक्ति दा, मिलदा ए मुक्ति दा, मिलदा ए मुक्ति दा, कृपा कर दे हो सहारा भगती ते जुगती दा, भगती ते जुगती दा, भगती ते जुगती दा, शीस दी पेट चढ़ा के सच लैना खरीद जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी, सुन लो फरियाद सतगुरु डरता मैं हर दम रहंदा कुदरत एह तेरी तो, कुदरत एह तेरी तो, कुदरत एह तेरी तो, रखे ओ जी गोद अपने जुलमा दी नेरी तो, जुलमा दी नेरी तो, जुलमा दी नेरी तो,
संगतां दा रहा दातिया बन के मुरीद जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु पत्थरां विच पालन हारे सुनियो अरदासानू सुनियो अरदासानू सुनियो अरदासानू ऐसी अरदास ऐसी बेनती ऐसी जोदड़ी एक मुसलमान मलाह जो के सरसा नदी दे उत्ते बेड़ी चलाउन दा काम करदा सी उसने कीती बड़े चिरा तो अरदास कर रहे है। एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कलगीधर पिता उन्हां दा दरबार लग्या होया ते इधर मुसलमान मलाह अरदास कर रहे है बेनती कर रहे है कि हे धन गुरु हे कलगीधर साहिब पातशाह मैनू आके दर्शन दियो आप अपने पवित्र चरण मेरी बेड़ी दे विच पाओ। पातशाह दरबार दे विच बैठे ने संगतां बैठियां कीर्तन हो रहा है अचानक पातशाह अचनचेत काली नाल गद्दी तो उठे सिंघां नूं आखिया कि सिंघो साडे प्यारे सेवक दी प्यार दी तार मिली है ऐसी प्यार दी तार प्राप्त होई है सानू चलो जाके उनू तारना है। पातशाह ने इक्की सिंघां नूं नाल लिया ते पातशाह सरसा नदी के कंडे ते आ गए। जदों कंडे ते चल रहे ने ता सरसा नदी दे विच होर भी बहुत बेड़ियां सन बड़े मलाहां ने प्यार नाल ओ बेड़ियां सजाईयां होईयां सन बड़ियां नवियां नवियां सोहणियां सोहणियां बेड़ियां बड़ियां महंगियां महंगियां बेड़ियां ओ सजाईयां होईयां ने ते पातशाह नदी दे कंडे उत्ते कदी उस पासे वल जा रहे ने कदी इस पासे वल नदी दे कंडे उत्ते इधर उधर टहल रहे ने नाल इक्की सिंह ने इउं लग रहा सी जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आउण वाले समय नूं भांप रहे होण आउण वाले समय की जांच कर रहे होण कि यह उही कंडा है यह उही सरसा नदी है जिथे सारे परिवार का चारे साहबजादियां का सिंघां का विछोड़ा पैणा है। इउं लग रहा है जिस तरह वह जांच कर रहे होण भांप रहे होण एक ऐसी बेड़ी बहुत खस्ता हालत दे विच पुरानी बेड़ी ते उस बेड़ी का मलाह अखां मीट के बैठा है उस दे कपड़े भी पाटे पुराने पाए हुए ने ते पातशाह ने सिंघां नूं उधर कर लिया। पातशाह ने मोढ़े तो हलूणे है आख्या के भाई चल असी तेरी बेड़ी दे विच सवार होके अज पार लगना है। ते जदों उन्हें अखां खोलियां ना उस मुसलमान मलाह ने वेख्या कि चारे पासे चानण होया पिया धन गुरु गोबिंद सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कर रहे है।
चरना ते नमस्कार कीती, चरना ते टह पै आखदा पातशाह मेरे नीच दी नमाने दी बेनती सुनी है आपने। इस वार्ता नू एक शायर ने इउं लिखिया है कि दसवें पातशाह चढ़े शिकार एक दिन, इक्की सिंगा नू नाल लै जाम देने, सरसा नदी दे कंडे ते आण के ते एक नौका विच पैर टिकाम देने। ते मलाह दी गल कीती है कि उस मलाह ने बेड़ी नू तोरे है, बेड़ा ठेल मलाह ने पार कीता, सतगुरु जी खुशी विच आमदे ने। जदों नदी दे कंडे ते ला दिता है ना बेड़ा इक्की सिंगा ते सतगुरु पातशाह जी दे नाल, पातशाह इन्ने खुश होए, इन्ने प्रसन्न होए, पातशाह ने अपने खजाने चों मोरां दा बुक भरिया ते उस मलाह दे वल वधाया। जदों मलाह दे वल ओ मोरां दा बुक वधाया ते मलाह ने हाथ जोड़ ले ते की आखिया, कहिंदा एक थैले चों मोहरां दा बुक भर के उस मलाह दे वल वधांदे ने ते आखदा है, हाथ जोड़ मलाह ने कहा प्रीतम मैनू लोड़ इस माया दे लोभ दी नहीं। कहिंदा पातशाह हे साईं मैनू माया दी लोड़ नहीं है, मैनू माया दा कोई लोभ नहीं है, ये किवें हो सकदा है कि एक दर्जी दर्जी दे पासों मेहनत ले लवे, एक लोहार लोहार दे पासों मेहनत ले लवे। कहन लगे हाथ जोड़ के पातशाह, क्योंकि तेरी ते मेरी है जात इको, तू भी मलाह ते मैं भी मलाह प्रीतम। जदों उन्हें आख्या है ना कि तू भी मलाह है ते मैं भी मलाह है, ता जेड़े सिंह सन नाल उन्होंने रोस कीता है, गुस्सा कीता है, तलवारां दियां म्याना ते हाथ गए, मुठियां ते हाथ गए, पातशाह ने रोक दिता है, आख्या सिंगो ये भेत की गल है, तुसे नहीं जान सकते। ओ मलाह कहिंदा पातशाह क्योंकि तेरी ते मेरी है जात इको, तू भी मलाह ते मैं भी मलाह प्रीतम, ये किवें हो सकता है दर्जी दर्जी लुहार लुहार पासों मेहनत लवे ना जुलाहे तू जलाहा प्रीतम। ते आखन लगे है किवें लवां मजूरी मैं आप पासों, मेरे दाता जी ये गल सोभदी नहीं। कहिंदा पातशाह मेरे मन नूं ये गल चंगी नहीं लगती, शोभा नहीं दिंदी, तू भी मलाह है ते मैं भी मलाह है, मैं इस सरसा नदी दे कंडे तो यात्रियों नूं मुसाफरां नूं पार लाउण वाला है, ते पातशाह तू उस संसार समुद्र तो पार करन वाला है। हाथ जोड़े आखिया पातशाह तू भी मलाह है ते मेरी बेनती है, जदों दातिया मैं तेरे घाट आवां, जदों दातिया मैं तेरे घाट आवां, देई सागरों पार पुचा प्रीतम। जदों ये बचन सुने ना धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने, इन्ने पातशाह प्रसन्न होए, इन्ने खुश होए, पातशाह ने आखिया दसवें पातशाह हस के कहन लगे कि हे मलाह हे सेवक तू सानू प्रेम दियां बोलियां मारियां ने। आखिया पातशाह ने कि दसवें पातशाह हस के कहन लगे तू सानू प्रेम दियां बोलियां मारियां ने, तू ते इक्कियां सिंगा नू पार कीता ते असी इक्की कुला तेरियां तारियां ने। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ऐसी बख्शिश ऐसी रहमत
पातशाह ने ऐसी रहमत कीती, बादशाह ने आख्या तू इक्कियां सिंघां नू पार कीता ते असी इक्की कुल्लां तेरियां तारियां ने। ऐसी रहमत दा पात्र, ऐसी बख्शिश दा पात्र ओ मलाह पातशाह दे चरणा विच अरदास कर रहा है, फिर भी नीवा होके भावें रहमत प्राप्त है, बख्शिश प्राप्त हो गई है, फिर भी पातशाह दे चरणा च अरदास कर रहा है कि हे सतगुरु मैनू अपने चरणा दे नाल जोड़ी रखो। जिस तरह पत्थरां दे विच भी कीड़े दी सुनदा है ना अरदास नू, मेरे भी बंदना है हथ जोड़ के, मेरे भी इसे तरह अरदास सुनिया करो। पत्थरां विच पालन हारे सुनियो अरदासानू, सुनियो अरदासानू, सुनियो अरदासानू। बंदना हथ जोड़ करा मैं पूरी करवा सानू, पूरी करवा सानू, पूरी करवा सानू। सच दा सच खंड दे अंदर बीजा मैं बीज जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी। मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु, मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु। तारे ठग सज्जन वर्गे मैं भी एक पापी हाँ, मैं भी एक पापी हाँ, मैं भी एक पापी हाँ। जै तो दा तारी आखे मंगदा मैं माफी हाँ, मंगदा मैं माफी हाँ, मंगदा मैं माफी हाँ। कटे दुख पाप करोड़ा कुदरत अजीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी, बदलो नसीब जी। मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु, मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु। तेरा एह बाग सुहावा दास फुल टाणी दा, दास फुल टाणी दा, दास फुल टाणी दा। पातशाह ने गुरसिखा नू गुरबाणी दे विच उपदेश दिता है कि गुरसिखो अपने गुरु दे दर ते आउणा है ना तां नीवे होके आउणा है। पातशाह ने आख्या है कि अपने गुरु दे दर ते आउणा है ता मन विच कोई कामना रख के नहीं आउणी कि जदों आउणा ते उदों ही कुछ मंग लैणा। पातशाह ने आख्या है सेवा भी करनी है, सिमरन भी करना है, पर निष्काम होके। पातशाह ने सुखमनी साहब अंदर उचारिया है, सेवा करत होए निहकामी तिस का होत प्राप्त स्वामी। पातशाह आख रहे ने गुरसिख सेवा सिमरन निष्काम होके करया कर, ते इको ही अरदास करया कर अपने गुरु दे चरणा विच, जिस तरह भगत कबीर जी ने उस प्रभु नू आख्या सी कि हे प्रभु कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं,
जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। पातशाह आख रहे ने ऐसी अरदास करया करें, बेनती करया करें, ता तेरा इथे आया सफल हो सकता है। तैनू किसे चीज की कमी नहीं आ सकती, तू अपने गुरु दे अंग संग, अपने गुरु नू हमेशा अंग संग समझया कर। भाई मरदाना ओ भी पातशाह नू हमेशा अपने अंग संग समझदा सी। भाई मरदाने ने अपना जिहड़ा मन सी ना वो गुरु नानक साहब नू दे दिता सी। गुरु नानक साहब के चरणों के विच अर्पण कर दिता सी। एक दिन पातशाह दुनिया नू तारदे हुए काबिल कंधार दे विच फिर रहे ने, ते मरदाने ने आख्या कि पातशाह आप नू ता लोड़ नहीं है, बहुत समा हो गया है घरों आया नू, घर जाके पिछे परिवार दी बच्चियां दी भी सुध लै आईए, उन्हां दा भी पता करना चाहिए। ते पातशाह मरदाने दी मन दी जान गए कि इहदा मन करदा है पिंड जाण नू। पातशाह ने आखिया मरदानिया चल अज तेनू तेरे पिंड तेरे बच्चियां नाल परिवार नाल मिला लियाउनी है। कहिंदा पातशाह इन्नी दूर किवें जावांगे, धन गुरु नानक साहब पातशाह ने आखिया मरदानिया मीट अखां, अखां मीटियां सतनाम, जदों श्री वाहिगुरु आखिया है ना अखां खोलियां। ते भाई मरदाने ने वेख्या कि राय भोए की तलवंडी पिंड दे चौधरी चंद्र भान दे खूह ते बैठे ने। ते पातशाह ने आख्या जा मरदानिया बच्चियां दी सुध लैया पता लैया। कहिंदा मरदाना पातशाह बड़े चिरां बाद चले हैं, बहुत चिर हो गया है, ते बच्चियां ने परिवार ने हत्थां वल वेखणा है कि साडा बाप बहुत चिरा तो आया ते लियाया कुछ नहीं। पातशाह ने आखिया कर पल्ला, पल्ला कीता ते सतगुरु पातशाह ने पांच बुक रोड़ां दे भरे। जदों रोड़ां दे भर के उहदे पल्ले विच पा दित्ते ते आख दित्ता कि बन लै रस्ते दे विच ना खोली। भाई मरदाना सतगुरु पातशाह जी दा सिदकी सिख, पातशाह जी दे हुक्म उत्ते बचन उत्ते अमल कीता। जे एक गुर की सिख सुनी दे वाक अनुसार घर आया बच्चियां दे विच परिवार दे विच बैठा। पातशाह दा हुक्म सी के रस्ते विच पल्ला नहीं खोलना, परिवार दे विच खोलना। जदों बच्चियां विच परिवार दे विच बैठा पल्ले दी गंढ नू खोलिया, वेख्या कि जिथे पातशाह ने रोड़ पाए सन उथे सोने दियां मोहरां बन गई हैं। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। ऐसी धन गुरु नानक पातशाह जी कृपा, ऐसी रहमत, ते जदों परिवार ने सोना वेख्या बच्चियां ने सोना वेख्या सारा परिवार खुशी नाल झूम उठिया कि साडा पिता साडा बाप सोना लेके आया। ते जदों मरदाने ने ये पातशाह दा कौतक वेख्या है ना वह भी खुशी नाल झूमन लग पे है, ते उची उची गा रहे है धन निरंकार धन निरंकार। ऐसी पातशाह दी कृपा ऐसी रहमत। पातशाह आख रहे ने कि गुरसिख तू अपने गुरु दे चरणा विच आके दित्तियां हुईयां चीजां दा दित्तियां हुईयां वस्तुआं दा शुकराना करया कर। जिस तरह भगत कबीर जी ने उस प्रभु का शुकराना किया कि प्रभु मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। ऐसी अरदास कर लिया करें तो तैनू होर मंगण की लोड़ नहीं रहनी, तैनू सारिया वस्तुआं उस प्रभु ने पातशाह ने अपने आप बख्श देनी है।
तेरा एह बाग सुहावा दास फुल टाणी दा दास फुल टाणी दा दास फुल टाणी दा राखा तू आप वाहे गुरु जिंदगी निमाणी दा जिंदगी निमाणी दा जिंदगी निमाणी दा तेरे हथ डोर दातिया तेरे हथ डोर दातिया मेरे नसीब दी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु कहे बलबीर संधु सच तेरे दरिया के ते तेरे दरिया के ते तेरे दरिया के ते शीतल हो जांदा ऐ मन दर्शन तेरे पाके ते दर्शन तेरे पाके ते दर्शन तेरे पाके ते नैब सिंह सेवक मन विच रख लई उम्मीद जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी बदलो नसीब जी मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद सतगुरु मेरे गरीब दी 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 सुन लो फरियाद सतगुरु 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 मेरे गरीब दी सुन लो फरियाद रबता तेरे अंदर वसदा रबता तेरे अंदर वसदा ना जंगलां विच टोल तू बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु बोल रब ता तेरे अंदर वसदा रब ता तेरे अंदर वसदा ना जंगलां विच टोल तू बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਮਨ ਦੇ ਕੋਪ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਕੋਪ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਵੇਖ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਵੇਖ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਦਮ ਏ ਰੱਬ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਨ ਖੋਜ ਕਰੇ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਏ ਖੋਜ ਕਰੇ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਨ ਖੋਜ ਕਰੇ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਏ ਖੋਜ ਕਰੇ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਪੈਣਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਪੈਣਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭੇ ਵਸਤੂਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਾਪਣ
नाम दे कोई तुल नहीं सबे वस तू आप किया जापन नाम दे कोई तुल नहीं मानस जन्म अमोलक हीरा मानस जन्म अमोलक हीरा ना मिट्टी विच रो तू बंदिया वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु बोल रब ता तेरे अंदर वसदा रब ता तेरे अंदर वसदा ना जंगलां विच टो तू बंदिया वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु बोल वाहे गुरु 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 रब ता तेरे अंदर वसदा रब ता तेरे अंदर वसदा ना जंगलां विच टोल तू बंदिया वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु बोल तू बंदिया वाहे गुरु बोल भला पुरुष है भला कमाउंदा बुरा किसे दा करदा ना बुरा किसे दा करदा ना सतगुरु पातशाह उन्होंने गुरबाणी दे विच भी उचारे है बाबा फरीद जी ने भी अपनी बाणी दे विच उचारे है मनुख नू आख रहे ने कि हे मनुख हे प्राणी तू उस प्रभु नू प्राप्त करना है ना उस प्रभु नू पाउना है ता ए नहीं कि अपना घर बार छड़ देना है अपने परिवार नू छड़ के जंगलां दे विच जाके बह जाना है पातशाह ने गुरबाणी दे विच भी आख्या है कि गुरसिख तू टोल के वेख लै लब के वेख लै ओ प्रभु तेरे अंदर बैठा ओ परमात्मा वाहिगुरु हर समय हर टाइम तेरे कोल रहिंदा है ओनू जप के वेख लै ओने प्रगट हो जाना पातशाह ने गुरसिख नू यही उपदेश दिता है कि गुरसिख सेवा करनी है सिमरन करना है वाहिगुरु का जाप करना है ना ता ए नहीं कि एवें दिखावे दी खातर करना मन दे विच भावें कोई नीव है भावें कोई उच्चा है हर एक दे लई सत्कार होना चाहिए प्यार चाहिए जिसनू तू समझ रहा है ना कि ए बंदा बहुत नीच जाति दा जा बहुत नीच है कंगाल है इस पास धन नहीं है ये बहुत बंदा माड़ा है पातशाह आख रहे ने हो सकता है कि वो बंदा उस प्रभु की रहमत हासिल कर चुकया होवे उस प्रभु दियां खुशियां नू प्राप्त कर चुकया होवे एक ऐसी वार्ता आउंदी है महारिषि वाल्मीकि जी दी लिखिया कि जदों कौरवां ते पांडवां दा युद्ध समाप्त होया है ना ता जीव हत्या दे प्राश्चित वजों पांडवां ने अश्वमेध जग रचिए जदों अश्वमेध जग रचिए भगवान कृष्ण भी बैठे ने
दूर दूर तो ऋषियां मुनियां साधु संता महात्मा नू बुलाया गया, पर महारिषि वाल्मीकि जी नू नहीं बुलाया। इस करके के पांडवों ने मन च विचारिया, कहिंदे नीच जाति है, शूदर ने नहीं बुलाउणा चाहिए। जदों सारे ऋषियां मुनियां ने भोजन छक लिया, ता जिहड़ा असमेध जग दी संपूर्णता का कड़ियाल सी ना, वो ना खड़किया, वो वज्जिया ना। पांडवों ने पूछिया भगवान कृष्ण नू, भगवान इन्नी असी साधु संतां महात्मा की सेवा की है, भोजन छकाया, अश्वमेध जग रचिया, ते कड़ियाल क्यों नहीं खड़के? भगवान कृष्ण ने अंतरयामी सन, जानी जान सन, उन्हां नू सीधे रस्ते पाउणा सी, दसना सी कि भावें कोई नीव है, नीच है, कंगाल है, भावें कोई दरवेश है, हर एक दे अंदर उस प्रभु की जोत है, हर एक दे अंदर वो प्रभु, वो परमात्मा, अकाल पुरख आप वसद। भगवान कृष्ण ने आख्या अर्जन नू, अर्जन तुसी वेखिया कि तुसी सारे जग अंदर सारे ऋषियां मुनियां नू बुलाया, पर एक गलती हो गई है तुहाडे कोलों कि वाल्मीकि जी नू नहीं बुलाया। भगवान कृष्ण ने आख्या ते भीमसेन ते अर्जन दोनों जने महारिषि वाल्मीकि जी कोल पहुंचे, बेनती कीती, जग वास्ते न्योता दिता। वाल्मीकि जी ने बड़ा सत्कार कीता, न्योता मन्या, ते जदों वाल्मीकि जी ने आउणा सी ना, तां द्रौपदी ने बड़े प्यार नाल लंगर तैयार कीता। भगवान कृष्ण कहिंदे द्रौपदी अज उस प्रभु दे प्यारे भगतां ने लंगर छकणे ने, ते बड़े प्यार नाल बणावी। जदों महारिषि वाल्मीकि जी आ गए, द्रौपदी ने 36 प्रकार दे भोजन तैयार कीते, भोजन परोसिया गया, 36 प्रकार दे भोजन वाल्मीकि जी अगे परोसे गए, ते वाल्मीकि जी ने ऐसा कौतुक वरताया गुरमुखो के सारे भोजना नू, सारिया दाला नू, सारिया सब्जिया नू, खीर कड़ा सारिया नू इकट्ठा कर लिया, एक बना लिया, मिला दिता। ते जदों एक कर लिया ना, तो द्रौपदी वेख रही सी, मन दे विच किरणा पैदा हो गई, कहिंदी कि ऋषि जी का अजे नीच जाति वाला सुभाव नहीं गया। जदों ये मन विच किरणा आ गई ना द्रौपदी दे, तां साध संगत लंगर छकिया जरूर महारिषि वाल्मीकि जी ने, पर जिहड़ी असमेध जग की संपूर्णता का कड़ियाल सी ना, वह जोर जोर नाल वजना सी, वजिया नहीं, वजिया पर बहुत निम्मा निम्मा। भगवान कृष्ण ने जोर नाल डंडा मारिया कड़ियाल ते, आवाज आई, कहिंदा कि मेरे तो क्यों पूछ रहे हो? इस दा कारण द्रौपदी नू पुछो। द्रौपदी नू छक सी कि मैं घृणा कीती है, ते वाल्मीकि जी तां अंतरयामी है। द्रौपदी नू पुछिया, उन्हें दस दिता है कि भगवान मेरे मन विच घृणा आ गई सी, मेरे मन विच घृणा आ गई सी कि ये नीच जाति दे हो के सुभाव नहीं बदलिया। भगवान कृष्ण ने आख्या कि जाओ, संपूर्ण नहीं होया जग, दोबारा फिर लेके आओ। अर्जन ते भीमसेन फिर गए, ते महारिषि वाल्मीकि जी ने आख्या कि अर्जन असी तां तुहाडे नाल चलण नू तैयार हाँ, जे सानू 100 असमेध जगां दा फल दिओ। वापस मुड़े आए। जदों द्रौपदी ने यह गल सुनी, नंगे पैरी आप गई। महारिषि वाल्मीकि जी ने फिर आख दिता कि 100 असमेध जग का फल दिओ, तां असी चलांगे। तां द्रौपदी कहन लगी कि महाराज, हे महारिषि वाल्मीकि,
पुराने शास्त्रां वेदां दे विच लिखिया है कि जदों किसी महापुरश दे पास जाइए तां एक एक कदम चलीए, एक कदम दा एक असमेद जग जिन्ना फल हुंदा है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्ने कदम मैं तुहाडे पास चल के आई हां ना, उन्हां विचों सौ कदमां दा सौ असमेद जगां दा फल रख लो, बाकी मेरे पास रहन दिओ। महारिषि वाल्मीक जी इन्ने प्रसन्न होए, इन्ने खुश होए, नाल गए, लंगर छकिया ते संपूर्णता दा असमेद जग दी संपूर्णता दा ऐसा घड़ियाल वजिया कि नौ खंडा बारह ब्रह्मंडा विच ओदी सुनाई दित्ती। देवत्या ने भी जय जयकार कीती, संख वजाए, घड़ियाल वजे है। पातशाह ने भी गुरसिख नूं आखिया, गुरसिख अपने तो जे तेरे नालों कोई गरीब है ना, नीवा है, तो उन्हू नीवा ना समझ, ये वेख मन दे विच पक्का कर लै कि उस अंदर भी उस प्रभु की जोत है, उस अंदर भी उस वाहिगुरु का वास है। इस रचना का शेर लिख रहा है, भला पुरश है भला कमाउंदा, बुरा किसे दा कर दाना, बुरा किसे दा कर दाना, असमेद जग दा फल है मिलदा, ओ बापां विच मरदाना, असमेद जग दा फल है मिलदा, ओ पापा विच मरदाना, बंदगी तो एह वांझा हिरदा, बंदगी तो एह वांझा हिरदा, रहंदा डावां डोल तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल, तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल, बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल। रब ता तेरे अंदर वसदा, रब ता तेरे अंदर वसदा, ना जंगलां विच टोल तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल, तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल, तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल। नित नेम ना कदी भलाउणा, गुरु नानक दी बाणी दा, गुरु नानक दी बाणी दा, नित नेम ना कदी भलाउणा, गुरु नानक दी बाणी दा, गुरु नानक दी बाणी दा, संसार समुंदर तरन वाला एह बेड़ा नाम पुराणी दा, संसार समुंदर तरन वाला एह बेड़ा नाम पुराणी दा, ऐवें ना बेअर्थ गवाई, ऐवें ना बेअर्थ गवाई, मिले सास अनमोल तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल, तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल, तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल। रब ता तेरे अंदर वसदा, रब ता तेरे अंदर वसदा, ना जंगलां विच टोल तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल, तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल, तू बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल। मन दे विच लै तार निमरता, कर लै साथ फकीरां दा, कर लै साथ फकीरां दा, मन दे विच लै तार निमरता, कर लै साथ फकीरां दा, कर लै साथ फकीरां दा,
जी दया परवान है हुंदी कहना ईरा पीरां दा जी दया परवान है हुंदी कहना ईरा पीरां दा पातशाह ने गुरबाणी अंदर गुरसिख नू ए भी उपदेश दिता है गुरसिख के सारे जिया उते तू दया करनी है। पातशाह ने जपजी साहब दे अंदर उचारे है के भावे तू 68 तीर्थां ते जाके तीर्थां ते जाके इशनान कर ले भावे दान पुन जिन्ना मर्जी कर ले पर जे तेरे मन अंदर दया नहीं ना है जी दया नहीं है पातशाह आख रहे ने ता वो 68 तीर्थां ते जाके कीता होया इशनान ने फल है। पातशाह ने आख्या 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। एक ऐसी वार्ता आउंदी है कि एक गजनी दा बादशाह ओदा एक नौकर जिसका नाम सुबुक्त दीन एक दिन शिकार खेडन वास्ते गए। जदों शिकार खेड के वापस आ रहे हैं ना तां उन्हें वेख्या कि एक हरनी दा बच्चा बड़ा प्यारा लग्या उन्हें। सुबुक्त दीन ने हरनी दे बच्चे नू चुक लिया ते हरनी ने वेख लिया कि मेरा बच्चा उठा के कोई ले जा रहे। जदों सुबुक्त दीन हरनी दे बच्चे नू अपनी गोद विच चुक के जाई जा रहे हैं ता पिछे पिछे हरनी चल पई। सुबुक्त दीन ने वेख्या खलो के हरनी पिछे आ रही है। जदों सुबुक्त दीन खलो जावे ता हरनी भी खलो जावे। दो तीन वार ऐसा होया आखर खलो गया। उस गजनी दे बादशाह दे नौकर सुबुक्त दीन ने वेख्या कि ओ हरनी जिस दिया अखां दे विचों अथरू परल परल जा रहे ने अखां दे विचों अथरू धरती दे उपर डिग रहे ने रो रही है अपने बच्चे दी खातर। जदों ए वेख्या ना सुबुक्त दीन ने ता सात संगत ओदे मन अंदर दया ने घर कर लिया दया आ गई। ते जदों मन अंदर दया आई ता उन्हें बच्चे नू छाड़ दिता है। बच्चा दौड़े अपनी मां हिरनी दे पास हिरनी ने उन्हू चूमे चटे ओदा अंग अंग सूंघे बच्चा सी ना प्यार सी चूमे चटे सूंघे इन्ना ओ प्रभु दा धन्नवाद कीता है। लिखे कि बच्चे नू हिक नाल लाया होया सी ते दो तीन वार अपना आकाश वाल मूह कीता कुछ ऐसी आवाज उन्हें कढ़ी उन्हें अरदास कीती कि हे प्रभु इन्हें मेरे बच्चे दी जान बख्शी है न इनू एदा बदला जरूर देई। सबुक्त दीन घर आया रात नू सुपना आया एक फकीर मिले ओ कहिंदा सबुक्त दीन तू अज जी दया कीती है न तू जी दया कर ली है ते ओ तेरी परवान हो गई है। उन्हें अरदास कीती सी हिरनी ने कि एदा इनू बदला जरूर देई तेनू एदा बदला ए मिलना है कि तेनू गजनी दी बादशाही मिलनी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ऐसा जी दया दा फल पातशाह ने गुरबाणी अंदर भी आखे गुरबाणी अंदर भी उपदेश दिता है जी दया बारे। साध संगत समा पे ऐसा समा आया कि वो गजनी दा बादशाह मर गया ते उथों दी परजा ने लोका ने कोई चंगा बंदा ना मिलन करके वो गजनी दे बादशाह दे नौकर सुबुक्त दीन नू गद्दी दे उत्ते बिठा दिता। बादशाही प्राप्त हो गई। ऐसी बादशाही पातशाह ने गुरबाणी अंदर उचारिया आप आख लैने कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। ओ पातशाह ओ अकाल पुरख ताई नदर करदा जे ओदी रजा विच
जी दया विच रह के उदी रजा विच रहा जावे। ए उस मुक्त दीन जिस दे बारे आपा इतिहास दे विच पढ़दे हैं ना कि एक महमूद गजनवी होया उन्हें हिंदुस्तान दे उपर 17 वार हमले किए। वो महमूद गजनवी सबुक्त दीन दा पुत्र होया। पातशाह ने भी गुरसिख नूं समझाया, गुरसिख तू इस संसार विच आके अपना जीवन सफल बनाउणा है ना, हर एक उत्ते दया जे किसे मंगते ने मंग लिया, ये नहीं कि उन्हूं गाला कढ़नियां शुरू कर देनी है जां उन्हूं बुरा मंदा आखना है। जे तू कुछ दे नहीं ना सकदा, पातशाह ने आख्या ता उन्हूं हाथ जोड़ दे, इन्ना ही काफी है। शहर आख रहा है, मन दे विच लै तार निमरता, कर लै साथ फकीरां दा, कर लै साथ फकीरां दा, जी दया परवान है हुंदी, कहना ईरा पीरां दा, जी दया परवान है हुंदी, कहना ईरा पीरां दा, जैतू वाला तारी आखे, जैतू वाला तारी आखे, वेखी अखियां खो तू बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु को तू बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु को तू बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु को। रब ता तेरे अंदर वसदा, रब ता तेरे अंदर वसदा, ना जंगलां विच टोल तू बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु को तू बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु को तू बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु को। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। रब ता तेरे अंदर वसदा, रब ता तेरे अंदर वसदा, ना जंगलां विच टो तू बंदिया, वाहे गुरु को तू बंदिया, वाहे गुरु को तू बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु को। रब ता तेरे अंदर वसदा, रब ता तेरे अंदर वसदा, ना जंगलां विच टो बंदिया, वाहे गुरु बो तू बंदिया, वाहे गुरु बो तू बंदिया, वाहे गुरु बो तू बंदिया, वाहे गुरु।